आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So guys, the question here is why HNO3, that is nitric acid, is not used in the laboratory preparation of dihydrogen? बोला है जब हम dihydrogen की preparation करते हैं तो हम HNO3 का use क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो HNO3 है उसका nature कैसा होता है? That is nitric acid. It is very good oxidizing agent. ठीक है, अब जब भी हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी मेटल में हम डाल रहे हैं, जैसे जिंक मेटल ले लेते हैं, इसमें हमने HNO3 डाला, तो मेटल की प्रेजेंस में क्या होता है, जब हम एसिड डालते हैं तो नेचर क्या ऑब्जर्व होता है कि हमें उसी का एसिड का सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। पर जितने भी एसिड ले हम, चाहे H2SO4 ले, HCl ले, पर नाइट्रिक एसिड है उसमें क्या होता है, बहुत अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करता है, जिंक नाइट्रेट तो बना देगा, यहाँ पे इसके साथ फॉर्मेशन करके ZNO3 बना देगा, पर जो हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, और खुद से जो HNO3 है वो रिड्यूस होकर या तो NO गैस बनाएगा या NO2 गैस बनाएगा या N2O गैस बनाएगा, ये गैसेस रिलीज होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम नहीं यूज कर पाते डाईहाइड्रोजन, मतलब H2 लिबरेट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम इसकी जगह H2SO4 यूज करते तो वो H2 गैस लिबरेट कर देता, क्योंकि वो इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते। क्लियर, तो यहाँ पे हम इसको इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ H2 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2 टू H2O। तो ये क्या कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल बना देता है और H2 और H2O, मतलब अगर जिस ये डिपेंड करता है हमारा H2 से H2O बना देता है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू NO, NO2 और N2O। ये गैसेस हम डिपेंड करती है कि इसकी कंसंट्रेशन हम कितनी ले रहे हैं, इसका डाइल्यूशन कितना ले रहे हैं, 60% है, 80% है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस लिबरेट होगी। क्लियर, तो यहाँ पे ये इसका रीजन है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।